गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज थर्ड डे हुआ इनमें और आज हम जा रहे हैं, एक मॉन्ग टेम्पल है उसको विजिट करेंगे। उसके बाद बीच के ऊपर ही एक गोल्डन बुद्धा स्टैचू है, बहुत बड़ी स्टैचू है, वो देखेंगे। फिर एक इनके यहाँ पे राजा के टाइम का एक रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, वो विजिट करेंगे। तीन चीज़ें आज हमने सोची है, अब वो देख के आते हैं। कल हम कहीं ज़्यादा गए नहीं थे, एक तो धूप बहुत तेज़ थी, आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको। और एक चीज़ बताना है दोस्तों, यहाँ पे ना ऊबर ओला कोई चलती नहीं है, तो आपको क्या करना है, ग्रैब ऐप करके है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें टैक्सी भी है, बाइक टैक्सी भी है। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये जो टुक टुक वाले, इनको तो समझाना पहले बड़ी मुश्किल हो जाता है कि जाना कहाँ है, और अगर ये समझ भी जाते हैं तो उसके बाद ये डबल चार्ज करते हैं। जैसे अभी मैंने मॉन्ग टेम्पल का यहाँ पे देखा ग्रैब ऐप पे, वो आ रहा था 74 baht, और कल मैंने शाम को पूछा था वैसे इनसे टुक टुक वालों से, तो उन्होंने मेरे को बोला 150 baht, तो डबल हो गया प्राइस। तो यहाँ पे आए तो आप ग्रैब ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और उसी से यहाँ पे आना जाना करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी अब चलते हैं, रेडी हैं बिल्कुल, ब्रेकफास्ट कर लिया है, मॉन्ग टेम्पल की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं कैसा है। और ये हमारी टैक्सी है आज की, यहाँ भी फंस गए भैया हम तो, ग्रैब में ही फंस गए हैं। इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, और हमने जो लोकेशन डाली है वो इनको समझ में नहीं आ रही है, तो पता नहीं कहाँ लेके जा रही है हमें। फोटो भी दिखा ली, सब कुछ दिखा लिया, समझ में नहीं आ रहा है इसको, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। ऐप में 72 baht दिखा रहा है, ये कह रही आने जाने के 500 baht लूँगा। तो लैंग्वेज की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बल्कि बैंकॉक वगैरह में तो इंग्लिश आती है लोगों को, यहाँ थोड़ा सा इनका हाथ ज़्यादा ही टाइट है इंग्लिश में। तो यहाँ पर ना जगहों के नाम सारे एक जैसे हैं, तो गलती हमसे हो रखी थी, इन मोहतरमा की कोई गलती नहीं है। तो गूगल पे हमने नाम देख के वही लोकेशन डाली, वो वहीं कहीं आसपास कोई छोटा सा मंदिर था उसके वहाँ पे इन्होंने जाके रोक दी थी। फिर फोटो दिखाने के बाद, गूगल ट्रांसलेट पे दिखाने के बाद समझ में आया, फिर हमने दोबारा गूगल पे मैप में देखा, गूगल मैप में तो ये सही ले जा रही है, वो 18 किलोमीटर दूर था हमारे होटल से जिस जगह हमने जाना है, और जो हमने मैप पे देख के उस पर गूगल पे देख के जो डाला था वो था 2-3 ही किलोमीटर। तो वहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी लैंग्वेज की वजह से और कुछ इनकी जगहों के नाम की वजह से। अब हम सही जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं टेंपल पे, और उसके बाद जाएंगे गोल्डन बुद्धा स्टैचू पे। दोस्तों ये है वो वाई मोंगकॉल टेंपल, और ये है वो स्टैचू, ये बुद्धिस्ट मॉन्ग थे थाईलैंड के, तो इनकी यहाँ स्टैचू बना रखी है, और साथ में टेंपल है, और ये कुछ खाने पीने की स्टॉल्स भी लगी हुई है इधर ही। देखिए कितने खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और इधर ये क्या है, ये मुर्गे, मुर्गों की वो बना रखी है स्टैचू, और ये है शायद इनके किंग की है, ये आप देखेंगे तो पढ़ना पड़ेगा बोर्ड पे क्या लिखा है, ये शायद इनके किंग की स्टैचू है घोड़े में बैठे हुए, और ये सारे इनकी मुर्गों की फौज। इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि इतने सारे मुर्गों की ये क्यों बना रखी है इन्होंने। ये दोस्तों यहाँ के कुछ रूल्स हैं, आप ये शॉर्ट्स पहन के या इस टाइप की ड्रेस और सैंडल वगैरह पहन के नहीं आ सकते हैं, एंड इट इज़ रॉन्ग टू यूज़ बुद्धा एज टैटू डेकोरेशन, इट मीन्स नो रिस्पेक्ट। तो टैटू वगैरह ना बनवाए बुद्धा जी का, और यहाँ पे इस टाइप के कपड़े पहन के ना आए, नहीं तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा टेम्पल के अंदर। ये रूल हमें पहले से पता था, तो इसलिए हम अपना पूरा कार्गो शर्ट पहन के आए हैं तरीके से, और शर्ट के बटन भी बंद कर लूँगा मैं, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी भी रिलीजन का, और उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो अभी करते हैं टेंपल विजिट, पहले नारियल पानी पी लें जरा। ये हमारे भैया जी ले रहे हैं नारियल पानी, वो तो बिल्कुल चिल्ड करके रखते हैं नारियल पानी को ऐसे। ये देखिए जी इनका नारियल पानी देने का स्टाइल, स्पून है, स्ट्रॉ है, नीचे है इसमें मलाई,
और नारियल पानी और आइस क्यूब डाल के, बहुत ही बेहतरीन स्टाइल है। ये भैया जी अपना लगे हुए मलाई खाने में, नारियल खाने पीने में। ये यहाँ का फ्रूट स्टॉल है, कट करके देते हैं मसाला वगैरह लगा के, अलग अलग फ्रूट से सारे इस तरीके से देते हैं डाल के ना मसाला वगैरह लगा के। ये यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, ये सोने का वर्क टाइप चढ़ाते हैं, इस पर चिपका देते हैं स्टैचू पे, ऐसा ही उधर है गोल्डन बुद्धा स्टैचू पे ऐसे ही करते हैं। और ये अपना यहाँ अगरबत्ती लगा के फूल चढ़ा के अपनी पूजा कर रहे हैं, ये डोनेशन के लिए, जैसे हमारे वहाँ होती है दान पेटी, पर हमारे वहाँ छुपा हुआ दान होता है, यहाँ पे खुला दान है, शीशे का लगा रखा है। कुछ कुछ हिंदुइज्म जैसा ही है, अगरबत्ती है, ज्योत लगी हुई है, पैसे चढ़ा रहे हैं दान पात्र में और फूल चढ़ा रहे हैं, मतलब बुद्धिज्म निकला तो हिंदुइज्म से ही है ना, तो सब कुछ मिलता जुलता है। वहां जब ऊपर जहाँ मेन पूजा करने का, वहाँ जूते उतार के जा रहे हैं, ये सब मिलता जुलता ही है हिंदुइज्म से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी ऐसी स्टैचू बना रखी है इनकी जो ये मॉन्क थे, तो इन सभी पे किसी ने सिक्के और ये जो गोल्डन वर्क होता है ये चिपका रखा है, कुछ मान्यता है इनकी, बट ये थाई लैंग्वेज में लिखा तो समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि ये वेल्थ के लिए चिपकाते हैं लोग, जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और वेल्दी हो परिवार। ये है इधर, ये जैसे हमारे यहाँ घंटी होती है मंदिरों में, इधर ऐसा है बजाने का। ये देखिए एक और स्टैचू आ गई, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, गूगल करना पड़ेगा ये, और ना ही यहाँ ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश आ रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ये मुर्गों की क्यों लगा रखी है, प्लस साथ में इनके आर्मी के जो जवान हैं उनकी भी स्टैचू इधर लगा रखी है इनके साथ में। और हमारे रविंदर सिंह जी कह रहे हैं ये बलि के लिए है शायद, ये हो सकता है ये सही है या तुक्का मार रही है नहीं पता, बलि के लिए क्योंकि यहाँ काटना मना है ना, लोग अपने पहले करते थे बंद कराया था बुद्धिज्म में। अच्छा, तो अब ये स्टैचू चढ़ा देते हैं इधर आके, तभी इतने सारे लगे हुए इधर। अब ये जानकारी सही है या गलत ये तो रविंद्र सिंह जी जाने, पर इनका ऐसा मानना है कि ये इस टाइप से कुछ हुआ होगा। लो जी हमारी कैब आ गई है, चलते हैं। बिल्कुल आउटर वाइन में घूम रहे हो, यहाँ खेती हो रही है बढ़िया, पीछे पहाड़ है उधर खेत है, बढ़िया हाईवे है। हम निकले हैं मंगकॉल टेम्पल देख के, अब जा रहे हैं गोल्डन बुद्धा, ये बीच पे है कहीं, बस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते बड़े खूबसूरत हैं आगे, और बिल्कुल मतलब सर्विस रोड, साइकिल ट्रैक, बिल्कुल आउटर पे हाईवे पे भी इतना डेवलप कर रखा है, मजा आ गया देख के। ये दोस्तों यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं बहुत सारे, बीच है सामने, दूर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो उधर है हिल्टन, जहाँ से भी हम आ रहे हैं मेन बीच उधर ही है। ये इधर एक छोटा सा बीच है इन रिजॉर्ट्स के लिए, और यहाँ पे है गोल्डन बुद्धा स्टैचू जिसको भी हम देखने के लिए आए हैं। टूरिस्ट मेनली उस बीच पे रहते हैं जो उधर है हिल्टन की तरफ, और टूरिस्ट तो हम भी है बट हम ये देखने आए हैं, बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इस तरफ, कुछ गोरे ही आते हैं, हम पहले हैं इंडियन। तो ये जो टैक्सी वाली दीदी है
ये भी शौक हो रही थी। कहाँ घूम रहे हो तुम? यू लव बुद्धिज्म? ना यस आई लव बुद्धिज्म। ये है जी गोल्डन बुद्धा स्टैच्यू, काफी हाइट है, इस टाइप का है कुछ। और इधर भी है मुर्गों की, इसका तो गूगल करके देखना ही पड़ेगा कि है क्या ये। कोई सब सिस्टम है जैसा भी दूसरे टेंपल पर गए थे ऐसे इधर है, अगरबत्ती है, फूल है, डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। और यहाँ से अच्छी आएगी शायद, ये देखिए काफी हाइट है पूरा पहाड़ी जितना। स्टेप्स है ऊपर टेंपल की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कितने स्टेप्स है। करते हैं हिम्मत, लेते हैं राम का नाम और बुद्धा जी का नाम और करते हैं चढ़ाई शुरू। बहुत ज्यादा स्टेप्स है, कितने होंगे भैया, कितने स्टेप होंगे पता चलेगा? होंगे 500 स्टेप तो होंगे, देखते हैं ऊपर जाके। बट वहां से व्यू बहुत अच्छा आएगा पूरा ओशियन का और सिटी का, देखते हैं ऊपर जाके। फिर टॉप पे आ गए बिल्कुल, और इधर टेंपल है, टूरिस्ट आए हुए हैं, ये सारा टेंपल का एरिया। मंकी फूड चल रहा है इधर 100 वाट का, और यहाँ से देखिए ओशन का व्यू देखिए क्या जबरदस्त आ रहा है यहाँ से। बोट्स खड़ी है कुछ नीचे, ये थाई फ्लैग है, ये इनका बुद्धिज्म का शायद टेंपल का फ्लैग है। ये है दोस्तों यहाँ का पियर, पेरिस जहाँ से चलती थी। हम तो यही सोच के आए थे गूगल पर चेक करके कि यहाँ से पते आ जाएंगे हम पेरिस में, बट किस रीजन से ये क्लोज कर रखी है, फेरी नहीं चलती, तो कल हमें बस या टैक्सी से जाना पड़ेगा। और इधर बीच पे हो रहा है वाटर स्पोर्ट्स का, और कुछ इधर शेक्स टाइप बनी हुई है। यहाँ पे फेरी खड़ी है, या तो कोविड की वजह से इनके पैसेंजर कम होंगे तो इन्होंने ये सर्विस अभी टेम्परेरी क्लोज कर रखी है। हमारा बस ये है कि टाइम बच जाता, अगर फेरी से जाते तो मैक्सिमम 1.5-2 घंटे पहुंच जाते यहाँ से, पैसा ही बचता, टाइम भी बचता। अब कल हमें बस या टैक्सी जाना पड़ेगा तो पैसा लगेगा डबल ट्रिपल, और वो होगा टाइम लगेगा 5-5.5 घंटे। ये सब कुछ है क्लोज्ड। ये दोस्तों यहाँ का मार्केट विलेज मॉल, हुआहिन मार्केट विलेज, लंच के लिए आए हैं इधर। कल दूसरे मॉल में गए थे, आज इसको ट्राई करते हैं। यहाँ सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, KFC है, मैकडी है, पिज़्ज़ा कंपनी है, बर्गर किंग है, स्टारबक्स है, तो लोकल फूड तो हमने खाया था कल रात को, पता नहीं क्या क्या खिला दिया उन्होंने। तो आज थोड़ा सा अपना नॉर्मल, या तो कोई टर्किश फूड वाला मिलेगा वो देखते हैं, या फिर अपना इन्हीं में जाते हैं कहीं मैकडी वगैरह में। ये हमारे बिट्टू भैया का मन फिर से डोल गया है, और अभी फिर से यहाँ का लोकल थाई फूड खा रहे हैं, फ्राइड नूडल्स, सी फूड एंड चिकन, और सैलेड लिया है। तो इनका कहना भी सही है, जब थाईलैंड आए तो थाई फूड ही खाइए और सी फूड खाइए, समुद्र किनारे आए हैं तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सी फूड की झलक। ये देखिए
या तो आप फ्राइड राइस ले लीजिए, इसके नूडल्स के साथ ले लीजिए, तो पूरा फूड कोर्ट है। बहुत ही अलग टेस्ट है, यहाँ आए तो लोकल फूड जरूर ट्राई करें। दोस्तों ये है हुआ हिंड रेलवे स्टेशन, ये 1911 में ओपन हुआ था और इसको उस समय के प्रिंस ने बनवाया था, और थाईलैंड का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट या विजिटर्स आते हैं वो इधर इस स्टेशन पे ज़रूर आते हैं फ़ोटोज़ के लिए, बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क है यहाँ का ये। और इसके साथ में ही इन्होंने एक स्टीम इंजन भी रखा हुआ बाहर, और इसमें कैफ़े भी है, और टूरिस्टों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो हुआ ही ना आए तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करें।